दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंग्लिश लिटरेचर का मास्टरपीस वर्क जिसका नाम है द स्कूल फॉर स्कैंडल। मैंने इस प्ले की बात पिछली वीडियो में की थी दोस्तों, इसको लिखा था रिचर्ड शेरिडन ने जो कि एक आयरिश राइटर थे। दोस्तों इसको 1777 लंदन में लिखा गया था, 1777 में ही इसको पब्लिश करवाया गया। कॉमेडी ऑफ मैनर्स में इसको लिखा गया, ये कॉमेडी है और दोस्तों इसकी सेटिंग रखी गई है लंदन में, इंग्लैंड में। दोस्तों इसके अलावा ये जो प्ले है इसका फुल टाइटल है द स्कूल फॉर स्कैंडल अ कॉमेडी इन 5 एक्ट्स। दोस्तों बहुत ही फेमस प्ले है, हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसके प्लॉट पर नजर डालते हैं, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है लेडी स्नीयरवेल से। ये लेडी स्नीयरवेल जो है इनको अफवाहें उड़ाने में बहुत मज़ा आता है। इन्होंने एक आदमी हायर कर रखा है जिसका नाम है स्नेक, वो इनके लिए फर्जी लेटर्स तैयार करता है और इनके लिए अफवाह फैलाने का काम करता है। ये लेडी स्नीयरवेल एक आदमी से प्यार करती है जिसका नाम है चार्ल्स सर्फिस। लेकिन इस लड़के चार्ल्स की शादी हो रही है मारिया नाम की एक लड़की के साथ में, तो ये उनकी शादी को अपनी साजिशों के जरिए रुकवाना चाहती है। इसके लिए ये क्या करती है, चार्ल्स के बड़े भाई जोसेफ का सहारा लेती है। ये जोसेफ और चार्ल्स दोनों भाई हैं दोस्तों। इस जोसेफ की मार्केट में बहुत ही रेपुटेशन है, लेकिन सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। दुनिया की नज़रों में ये बहुत ही शरीफ लड़का है, असल में ये एक नंबर का टुच्चा आदमी है। ये लेडी स्नीयरवेल की मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि ये खुद मारिया से उसके पैसों के लिए शादी करना चाहता है। दोस्तों लेडी स्नीयरवेल का कोई काम नहीं है, ये अपने घर में बंदों को इकट्ठा करके उनके साथ में कई लोगों का मजाक बनाती है और ये लोग आपस में बातें शातें करते हैं बस। और जोसेफ भी इनके साथ मिला हुआ है। ये लोग चार्ल्स के कर्जे की बात कर रहे हैं। दोस्तों चार्ल्स जो है ये दुनिया की नज़र में बहुत ही ख़राब लड़का है और एक नंबर का उड़ाऊ लड़का है और इस पर बहुत सारा कर्जा हो चुका है, उसी की बात कर रहे हैं ये लोग बैठ करके। आई होप इतनी कहानी क्लियर है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस कहानी में एंट्री होती है सर पीटर की। सर पीटर और उनकी लविंग सर्वेंट, बहुत ही प्यारा सर्वेंट है जिसका नाम है रॉली। दोस्तों सर पीटर ने जिंदगी भर शादी नहीं की, ये बैचलर रहे, लेकिन अभी अभी प्ले शुरू होने के 7 महीने पहले इन्होंने एक अपने से कम उम्र की लड़की से शादी की है। अब एक शादीशुदा लाइफ में एज डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और दोस्तों इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सर पीटर और इनकी वाइफ की हमेशा लड़ाई और आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं। सर पीटर की जब भी अपनी वाइफ से लड़ाई होती है तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी उम्र ज़्यादा है तो उनमें ज़्यादा नॉलेज है। वो अपनी वाइफ को हमेशा गलत साबित करने में लगे रहते हैं। सर पीटर को ये भी लगता है कि उनकी वाइफ पर, इनकी वाइफ का नाम है, सबसे पहले तो मैं आपको इनकी वाइफ का नाम बता दूं, सर पीटर की वाइफ का नाम है लेडी टीजल। तो सर पीटर को लगता है कि इनकी वाइफ लेडी टीजल पर इस लेडी स्नीयरवेल का असर है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात, ज़रूरी बात मैं आपको और बताऊँ कि ये जो मारिया है इसको पालने का जिम्मा भी सर पीटर के ही सर पर है। तो सर पीटर ये चाहते हैं कि मारिया को इस जोसेफ से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन मारिया तो चार्ल्स को पसंद करती है, वो जोसेफ से शादी नहीं करेगी, उसको जोसेफ पसंद नहीं है। अब सर पीटर को भी पूरी दुनिया की तरह ऐसा लगता है कि जोसेफ मारिया के लिए एकदम सही रहेगा क्योंकि वो एक अच्छा आदमी है, लेकिन चार्ल्स का बिहेवियर अच्छा नहीं है, चार्ल्स एक उड़ाऊ लड़का है तो वो मारिया के लिए सही नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों ये इनका लविंग सर्वेंट रॉली इनको बोलता है कि चार्ल्स भले ही कितना भी वाइल्ड हो, कितना भी बुरा दिखता हो, बुरे काम करता हो, लेकिन वो एक अच्छा आदमी है। अब दोस्तों इस प्ले में एंट्री होने जा रही है इन सर पीटर के दोस्त सर ऑलिवर सर्फिस की। सर ऑलिवर सर्फिस एक्चुअली इन दोनों भाइयों के अंकल भी हैं जो 16 साल बाद ईस्ट इंडीज से वापस आए हैं। लेकिन दोस्तों उनके आने से पहले सर पीटर और उनकी वाइफ में फिर से आर्ग्यूमेंट हुआ। सर पीटर की वाइफ उनको बोलती है कि मुझे ख़रीदारी के लिए पैसा चाहिए, खूब पैसा चाहिए। तो सर पीटर उनको बोलते हैं, अपनी वाइफ को बोलते हैं कि तुम पैदा तो इतने पैसे के साथ नहीं हुई थी और तुम एक सिंपल लाइफस्टाइल में बड़ी हुई हो, तो अब तुमको इतना पैसा क्यों चाहिए, इतना एक्सपेंसिव आइटम क्यों ख़रीदना है। तो वो नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है, लेडी टीजल जो है वो नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। तो सर पीटर बोलते हैं कि ये गुस्से में कितनी अच्छी लगती है। अब दोस्तों ये टीजल रूट करके कहाँ जाती है, लेडी स्नीयरवेल के पास में, जहाँ वो और उनके बंदे बैठ करके बातें कर रहे थे आपस में।
तो उनको ज्वाइन कर लेती है। अब दोस्तों ऐसे में ये जोसेफ ये मारिया को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या नहीं करता, लेकिन वो नहीं मानती। मारिया चार्ल्स से ही प्रेम करती है, ये जोसेफ से नहीं पटेगी, लेकिन फिर भी जोसेफ इसको ट्राई करता रहता है। तभी यहाँ पर लेडी टीजल भी आ जाती है, वो जोसेफ और मारिया को एक साथ देख लेती है। जोसेफ अपने घुटनों पर बैठा रहता है मारिया के आगे, तो वो ये देख करके वो गुस्सा हो जाती है। क्यों गुस्सा हो जाती है? जब मारिया यहाँ से चली जाती है तो पता चलता है कि ये जो लेडी टीजल है इसका और जोसेफ का कोई चक्कर चल रहा है। ये जोसेफ लेडी टीजल को समझाने में लग जाता है। अब दोस्तों सर ऑलिवर आ चुके हैं सर पीटर के पास में। सर पीटर और सर ऑलिवर एक दूसरे से मिलकर बड़ा खुश होते हैं। बड़े लंबे समय बाद मिले हैं, 16 साल के बाद मिले हैं ये दोनों। अब इनमें बातें बातें होती है तो सर पीटर सर ऑलिवर को बोलते हैं कि आपके दोनों भतीजे चार्ल्स और जोसेफ, उन दोनों के बारे में मेरे क्या विचार हैं मैं आपको बताता हूँ। सर पीटर जोसेफ की तारीफ करते हैं कि जोसेफ आपका भतीजा बहुत ही अच्छा है, जबकि चार्ल्स बहुत ही उड़ाऊ टाइप का है। तो सर ऑलिवर को भी यकीन हो जाता है कि जोसेफ एक बढ़िया लड़का है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि सर ऑलिवर की जो सारी जायदाद है ये इन्हीं दोनों भतीजों को मिलने वाली है उनके मरने के बाद में। तो सर ऑलिवर सोचते हैं कि चलो इन दोनों को चेक करते हैं, इन दोनों भतीजों को चेक किया जाए कि ये आखिर हैं कैसे। तो सर ऑलिवर बोलते हैं कि मैं अपने भतीजे चार्ल्स के पास तो एक मनी लेंडर बनकर जाऊँगा, पैसा उधार देने वाला, जिसका नाम होगा मिस्टर प्रीमियम, ठीक है, उसको चेक करने के लिए, देखे तो सही कितना उड़ाऊ है। जबकि जोसेफ के पास उसको टेस्ट करने के लिए मैं एक गरीब आदमी बनकर जाऊंगा चैरिटी मांगने, जिसका नाम होगा मिस्टर स्टैनली। देखते हैं कौन पास होता है और कौन फेल। तो सर ऑलिवर सबसे पहले अपने भतीजे चार्ल्स के पास गए भेस बदलकर, एक मनी लैंडर मिस्टर प्रीमियम बनके। यहाँ सर पीटर अपनी वाइफ को समझाते हैं कि हमें अब झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो वो मान जाती है। लेकिन सर पीटर यहीं पे बोल देते हैं अपनी वाइफ को कि हर बार झगड़े की शुरुआत तुम ही करती हो, तो इनमें फिर से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। तो सर पीटर अपनी वाइफ को बोलते हैं टीजल को कि मुझे पता है तुम्हारा अफेयर चार्ल्स के साथ चल रहा है। तो उनकी वाइफ बोलती है क्या, चार्ल्स से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, और वो ऐसा बोलकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। दोस्तों ये चार्ल्स और लेडी टीजल के अफेयर की अफवाह जो है ये लेडी स्नियरवेल ने ही उड़ाई है, ये अफवाह उड़ाने में बहुत माहिर है लेडी स्नियरवेल। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, सर ऑलिवर अपने भतीजे के पास आते हैं चार्ल्स के पास मिस्टर प्रीमियम बनके। ये चार्ल्स अपने दोस्तों के साथ में बैठकर शराब पी रहा था, जुआ खेल रहा था। तो चार्ल्स और मिस्टर प्रीमियम की आपस में बातचीत हुई, तो चार्ल्स कहता है हाँ मुझे पैसों की ज़रूरत है क्योंकि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच खाई, और मेरे अंकल हैं सर ऑलिवर, सर ऑलिवर नाम के मेरे कोई अंकल हैं, उनकी प्रॉपर्टी मुझे मिलने वाली है, तो अभी आप मुझे पैसा दे दो। ये सर प्रीमियम से बोल रहा है कि अभी आप मुझे पैसा दे दो और मेरे अंकल के मरने के बाद जो हिस्सा मुझे मिलेगा उनकी प्रॉपर्टी में से, उसमें से मैं आपको आपका कर्ज़ा चुका दूंगा। तो एक्चुअली इसको पता नहीं है कि ये सर प्रीमियम इसी के अंकल हैं सर ऑलिवर, जो भेस बदल के इसके पास आए हैं। तो सर ऑलिवर इससे पूछते हैं कि और क्या है तुम्हारे पास बेचने को। तो चार्ल्स बोलता है मेरी खानदानी तस्वीरें हैं जो मैं पैसों के लिए बेच सकता हूँ। तो सर ऑलिवर को बड़ा गुस्सा आता है इस पर, बहुत बुरा लगता है कि ये खानदानी तस्वीरों की इसको कोई इज्जत ही नहीं है, उसको भी बेच सकता है ये पैसों के लिए। तो वो खरीद लेते हैं इससे खानदानी तस्वीरें इसकी सारी, लेकिन वो बोलते हैं एक तस्वीर को देख करके बोलते हैं कि वो तस्वीर मैं खरीदना चाहूँगा। तो चार्ल्स बोलता है कि नहीं, ये तस्वीर मैं बेचना नहीं चाहता क्योंकि ये तस्वीर मेरे अंकल ऑलिवर की है और ये मैं आपको कभी नहीं बेच सकता। तो सर ऑलिवर उसकी ये खूबी देख करके बड़ा इम्प्रेस होते हैं, उनको ये बात टच कर जाती है कि ये लड़का कैसा भी हो कम से कम मेरी इज्जत तो करता है। तो पहले लड़के का तो नेचर देख लिया सर ऑलिवर ने, अब वो दूसरे लड़के से मिलने जाते हैं। यहाँ दोस्तों जोसेफ, ये जोसेफ ही तो है दूसरा भाई, तो ये जोसेफ जो है इससे लेडी टीजल मिलने आती है। मैंने आपको बताया था जोसेफ और लेडी टीजल का अफेयर चल रहा है, तो ये लेडी टीजल जोसेफ से बोलती है कि इसकी आज अपने हस्बैंड सर पीटर से लड़ाई हो गई। ये बोल ही रही होती है कि तभी यहाँ पर सर पीटर आ जाते हैं, तो ये डर के मारे जोसेफ के रूम में छुप जाती है जाके।
तो सर पीटर यहाँ पे जोसेफ को आकर बोलते हैं कि बेटा क्या बताऊँ, तुम्हारे भाई चार्ल्स का मेरी वाइफ से अफेयर चल रहा है, लेकिन मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और आने वाले टाइम में मैं उसको फ्री कर दूंगा कि वो जैसे चाहे वैसे खर्चा करे। शायद हमारे बीच में लड़ाइयाँ ना हो, शायद हमारे बीच में जो लड़ाइयाँ हो रही है ये बंद हो जाए। और बेटा तुम्हारी भी तो शादी मारिया के साथ करनी है। लेकिन जोसेफ बोलता है कि अंकल इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि जोसेफ नहीं चाहता कि सर पीटर की वाइफ लेडी टीजल ये बात सुन ले। तभी दोस्तों यहाँ पे चार्ल्स आता है, तो सर पीटर बोलते हैं कि बेटा मैं अंदर छुप जाता हूँ और छुपकर तुम दोनों की बातें सुनता हूँ, पता तो चले कि इसका और मेरी वाइफ का कुछ चल रहा है या नहीं। तो सर पीटर कहीं छुपने जाते हैं तो जोसेफ बोलता है कि अंकल वहाँ मत छुपो, आप इस जगह छुप जाओ। तो अब चार्ल्स वहाँ पर आता है तो जोसेफ चार्ल्स से पूछता है कि सर पीटर की वाइफ लेडी टीजल कहाँ पे है। तो चार्ल्स बोलता है मुझे क्या पता, उसका तो शायद तुम्हारे साथ कुछ लफड़ा चल रहा है ना। तो जोसेफ उसको बोलते हैं अपने मुंह का शटर बंद कर, सर पीटर यहीं छुपे हुए हैं। तो चार्ल्स की ये बात सुनकर सर पीटर खुश होकर बाहर आ जाते हैं। तभी दोस्तों ये सर पीटर की वाइफ लेडी टीजल भी वहाँ पर छुपी हुई थी, तो ये भी सबके सामने एक्सपोज हो जाती है। ये अपने हस्बैंड सर पीटर को सच बता देती है कि मेरा चार्ल्स के साथ नहीं जोसेफ के साथ अफेयर था, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि ये एकदम झूठा और मक्कार आदमी है। और आज अगर मैं पकड़ी ना भी जाती, ये लेडी टीजल बोल रही है कि आज अगर मैं पकड़ी ना भी जाती, अपने पति से बोलती है सर पीटर से कि आपके लिए मेरे दिल में आज इज्जत बहुत बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ मैंने छुपकर सब कुछ सुना कि आपने मेरे लिए क्या कहा। अब दोस्तों पता नहीं कि सर पीटर ने अपनी वाइफ को माफ़ किया या नहीं, लेकिन यहाँ पे जोसेफ के अंकल उससे मिलने आए हैं भेस बदलकर। ये मिस्टर स्टैनली बनकर आए हैं चैरिटी मांगने, टेस्ट करने अपने भतीजे को कि ये क्या बोलता है। तो जोसेफ बोलता है कि ये चैरिटी करना मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा है नहीं कि मैं चैरिटी कर सकूं। और ये जो अफवाह है ना कि मुझे मेरे कोई अंकल ऑलिवर से कुछ मिलने वाला है प्रॉपर्टी में, ये सब भी झूठ है, ये सब भी एक अफवाह है, ये मिस्टर स्टैनली को ऐसा ऐसा बोलता है। तो सर ऑलिवर जो मिस्टर स्टैनली बन के यहाँ पर खड़े हैं, ये यहाँ से एक लंबी सांस लेकर चले जाते हैं। तो तभी इस जोसेफ को पता चलता है कि इसके अंकल ऑलिवर इस शहर में आ चुके हैं और किसी भी वक्त इसके घर आ सकते हैं। तो जोसेफ बोलता है कि अंकल को भी अभी आना था, यही टाइम मिला था उन्हें वापस आने के लिए, बहुत ही गलत टाइम पर वो वापस आए हैं। अब दोस्तों जहाँ तक सर पीटर की बात है तो उनको एक झटका सा लगा है अपनी वाइफ का सच जान के, और सर पीटर के घर के बाहर एक भीड़ जमा हो गई है कि आखिर मामला क्या है, सर पीटर की वाइफ कौन से भाई के साथ पकड़ी गई है, जोसेफ या चार्ल्स। तो उनके घर के बाहर भीड़ जमा हो गई थी, सर्वेंट्स उस भीड़ को अंदर नहीं आने दे रहे थे, तो वो लोग वो भीड़ गलियारे में से झांक कर देख रही थी कि आखिर माजरा क्या है, कहीं सर पीटर उन दोनों भाइयों से पिट तो नहीं गए। तभी सर पीटर यहां आकर भीड़ पर चिल्लाए कि निकलो मेरे घर से। सर पीटर बहुत ही गुस्सा थे तो इनका फेवरेट सर्वेंट इनके पास आया, ये रावली इनके पास आया और इनको समझाया कि आपकी पत्नी को बहुत ही पछतावा है, आप उसको माफ़ कर दीजिए। रावली के इतना रिक्वेस्ट करने पर सर पीटर मान जाते हैं और अपनी वाइफ को माफ़ कर देते हैं। अब दोस्तों इस प्ले का आखिरी सीन आ चुका है, ये जोसेफ के घर पर लेडी स्नियरवेल आती है इससे मिलने के लिए, और जोसेफ और लेडी स्नियरवेल के बीच में बात होती है कि इसका जो सर्वेंट है लेडी स्नियरवेल का सर्वेंट स्नेक, इसने झूठी खबर फैला दी है, चारों तरफ झूठी अफवाह फैला दी है कि चार्ल्स और लेडी स्नियरवेल की एंगेजमेंट हो चुकी है और ये दोनों शादी करने जा रहे हैं। तभी यहाँ पर अंकल ऑलिवर और चार्ल्स आते हैं, लेडी स्नियरवेल अंदर जाकर छुप जाती है। यहाँ पर ये दोनों भाई अपने चाचा को अपने अंकल को इम्प्रेस करने में लग जाते हैं, सर ऑलिवर को। तो दोस्तों यहाँ पे सर पीटर भी आ जाते हैं, उनकी वाइफ टीजल भी आ जाती है, मारिया भी यहीं पे आ जाती है, और ये लोग यहाँ पे आकर इन दोनों भाइयों को बताते हैं कि तुम्हारे अंकल ऑलिवर तुम दोनों के पास में भेस बदल कर आए थे, इस चार्ल्स के पास और इस जोसेफ के पास में, और तुम दोनों ने उनको अपने घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो इन दोनों को बड़ा पछतावा होता है, जोसेफ अपने बिहेवियर के लिए एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देता है, जबकि ये चार्ल्स सीधे सीधे माफ़ी मांग लेता है कि मुझे अपनी फैमिली की तस्वीरें बेचनी नहीं चाहिए थी, मैंने उन्हें बेचकर अच्छा नहीं किया। अब सर ऑलिवर चार्ल्स को तो माफ़ कर देते हैं कि
इसको मैं हर चीज़ के लिए माफ़ करता हूँ, लेकिन इस जोसेफ को माफ़ नहीं करते, क्योंकि सर ऑलिवर को जोसेफ के अंदर एक पाखंडी नज़र आता है। चार्ल्स मारिया से भी माफ़ी मांगता है। मारिया बोलती है कि मैंने तो सुना तुम लेडी स्नियरवेल के साथ शादी कर रहे हो। तभी लेडी स्नियरवेल बाहर आती है और बोलती है हाँ हाँ चार्ल्स मुझसे शादी कर रहा है। लेकिन इसी मोमेंट पर ये रावली सब कुछ ठीक कर देता है। ये रावली स्नेक को लेकर के यहाँ पे आता है। ये स्नेक सबको सच बताता है कि इसने चार्ल्स और लेडी स्नियरवेल की अफवाह फैलाई थी शादी की, लेकिन अब सब कुछ सामने आ चुका है। तो लेडी स्नियरवेल और जोसेफ वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि इन दोनों की बड़ी बेइज्जती होती है। जबकि मारिया और चार्ल्स की एंगेजमेंट हो जाती है और अंकल ऑलिवर चार्ल्स को अपना एकमात्र वारिस घोषित कर देते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये प्ले ख़त्म होता है।